श्रीनगर के बाजारों में रमजान की रौनक खूब देखने को मिल रही है। इन दिनों बाजार में इत्र की काफी डिमांड है। इत्र की कीमत 500 से 30,000 से भी ज्यादा होती है। ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि टूरिस्ट भी इत्र यहां से तोहफे के तौर पर ले जा रही हैं। केसर के फूलों से बना एक इत्र काफी अलग होता है और जो आम और खास को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है और लोग इसे खूब खरीदते भी हैं। रमजान में तो सब चीज़ में बरकत ही होती है और इसमें भी खुदा ताला की तरफ से है कि इसमें लोग ज़्यादा मस्जिदों की तरफ रुख करते हैं और खुद को अच्छा स्मेल रखना चाहते हैं वहाँ पे जाके कि जो अपने कपड़ों पे इत्र मलते हैं, ताकि मस्जिद में जाएंगे तो इत्र मल के ही जाते हैं। सैफरन तो आपको पता है कि पूरे इंडिया में सिर्फ कश्मीर का माना जाता है, थ्राउट इंडिया अगर हम दुनिया पर भी नज़र डालें तो कश्मीर का सैफरन नंबर वन पे माना जाता है। अब चूंकि कश्मीर आते ही टूरिस्ट हैं और वो यहाँ से जाकर कश्मीर का ही कुछ तोहफा लेंगे, तो वो इस अतर की जो सैफरन का नोट है वो ज़्यादा पसंद करते हैं लेना, अपने दोस्तों को गिफ्ट में पेश करना। रमज़ान के 10 अशरे के दिन जो हैं वो अभी चल रहे हैं और पूरी जम्मू कश्मीर घाटी में रमज़ान की जो रौनकें हैं वो नज़र आती हैं, लेकिन इन रौनकों में इजाफा करने के लिए लोग इत्र का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना है तो इत्र जो लगाना है वो सुन्नत है। हम आपको दिखाएंगे कि इत्र यहाँ पे जो हैं बहुत सारी किस्में, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की इत्र जो हैं वो रखी गई हैं और आजकल के दौर में ज़्यादातर लोग जहाँ परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रमज़ान को देखते हुए इत्र का ज़्यादातर अभी इस्तेमाल हो रहा है। कश्मीर में लोग प्राथमिकता दे रहे हैं कि वो इत्र जो हैं लगाए अपने आप को। ये बताइए कि आपके पास कितनी किस्म की इत्रें हैं, क्योंकि रमज़ान अभी चल रहा है, परफ्यूम लगाना तो खैर सुन्नत नहीं है लेकिन इत्र लगाना सुन्नत है। इस टाइम तो बहुत सारी किस्में हैं, जैसे आप देख सकते हैं पूरा शेल्फ जो मेरे पीछे है वो सारा इत्रों का ही है, तो आप कोई भी इत्र ले सकते हैं, स्ट्रांग है, लाइट है, हर किसी के लिए हमारे पास इत्र यहाँ पे मौजूद है। तो इत्र मलना सुन्नत भी है, अभी ईद उल फितर भी आ रही है, तो किस तरह से आप उम्मीद करते हैं? ग्राहक भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, अभी रमज़ान में आते हैं तो ईद उल फितर पर आप इस टाइम तो रमज़ान आ रहा है, हमारे पास रमज़ान ऑफ़र भी चल रहा है, 20% 20% फ्लैट ऑफ चल रहा है कुछ प्रोडक्ट्स पे, विदाउट दहनलूद उन पे ऑफ़ नहीं होता है हमारा, बाकी सब इत्रों पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह 20% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। और क्वालिटी वाले इत्र है तो सबको पता ही है, अजमल अगर किसी ने सुना होगा तो अजमल क्वालिटी पर बिलीव करता है, नॉट के क्वान्टिटी। तो रमज़ान के इन दिनों में ज़्यादातर लोग इत्र का इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि ये सुन्नत मानी जाती है इस्लाम में, लिहाजा लोगों की प्राथमिकता रहती है। अभी ईद उल फितर भी आगे आने वाली है, तो ईद उल फितर में ज़्यादा से ज़्यादा रौनकें हैं वो हमें नज़र आएगी कश्मीर से, और ज़्यादातर लोग इत्र जो हैं वो लेने में प्राथमिकता देंगे। और जिस प्रकार से हमने देखा अभी रहमतों के 10 दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों ख़ास तौर पर बाज़ारों में भी ख़ास रौनकें नज़र आ रही हैं। फारूक वानी, सलाम टीवी, श्रीनगर।